जिस घर में रामचरितमानस की पूजा होती है, रखा हुआ है ग्रंथ, उस घर की चौकीदारी हनुमान जी महाराज करते हैं। और वहां पर कोई भी, देखो बहुत से लोग कहते हैं हमारे ऊपर ऊपरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है हमारा भीतरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है नीचला चक्कर चल रहा है, मतलब जो भूत प्रेत पिशाच ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकते हैं, ये तो पेड़ पे लटके रहते हैं, जब देखो पेड़ के नीचे से कोई जाए झट पकड़ लेते हैं, उसी की सवारी करके चलते हैं। उनका कोई अपना वाहन तो है नहीं, तुम्हारा अपना वाहन तो शरीर है, उन पे तो कोई वाहन नहीं, जहां वो रहते तुम वहां से निकले बोले चलो थोड़ी देर सवारी कर लें, लेकिन कब, जब अमर्यादित हो गए तब, मर्यादित हो गए तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो कई लोग कहते हैं जिनके घर में रामचरितमानस रखा है, जिनके घर में भागवत ग्रंथ रखा है, जिनके घर में गीता रखी है और उनका वायकादा पूजन वहां होता है, भूत प्रेत तो छोड़ो उनके बाप की हिम्मत नहीं कि वहां आके जाके कुछ असर दिखाएं। अब दादाजी के जमाने की रामायण धरिए, वह कोई खोल ही रो रहा है, वह मैं कोई रामायण पे फूल ना चढ़ा रहा हूं, तो राम हनुमान जी कह रहे हैं मैं कब तक बैठूं यहां, कम से कम पढ़े ना तो सही, रामायण पे एक फूल तो चढ़ा दे, भागवत पे एक पुष्प तो चढ़ा दो, आरती तो कर दो, पढ़ नहीं सकते तो होता ही नहीं। तो यमराज के दूत कहते हैं वहां हनुमान जी पैरा देते हैं इसलिए हम वहां जाते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आपके लिए उपाय है, जो इनपे हवा का प्रभाव होता है, अपने घर में रामचरितमानस भागवत और गीता रखें और तीनों ग्रंथों का पूजन करें एवरीडे, उनकी आरती करें, बुरी से बुरी नेगेटिव छवि जो भी है, नेगेटिव शक्ति आपका घर छोड़ के भाग जाएगी, यमराज के दूत नहीं झांकेंगे।